दोस्तों आज हम बात करेंगे बिम्सटेक की। इसकी स्थापना कब की गई, इसका मुख्यालय कहाँ है और कौन कौन से देश इस संगठन में शामिल है, और जो भी देश बिम्सटेक में शामिल है उनके मुखिया, राजधानी और करेंसी को भी हम कवर करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक का हो सकता है एग्जाम में आपको एक दो नंबर दिला दे। तो सबसे पहले बात करते हैं बिम्सटेक की स्थापना कब हुई। अगर आपको जवाब पता है तो बताइए। ऑप्शन ए 6 जून 1997 में इसकी स्थापना की गई। देखिए जब बिम्सटेक की स्थापना की गई 1997 में तो इसमें मात्र 4 देश थे, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड। और इस संगठन का नाम रखा गया था BISTC, भारत इंडिया श्रीलंका थाईलैंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। फिर उसके बाद क्या हुआ, दिसंबर 1997 में म्यांमार भी इस संगठन में शामिल हो गया और फिर इस संगठन का नाम पड़ा बांग्लादेश इंडिया म्यांमार श्रीलंका थाईलैंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। फिर उसके बाद फरवरी 2004 में नेपाल और भूटान भी इस संगठन में शामिल हो गए, फिर इसका नाम पड़ा बिम्सटेक। द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी स्केलर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन इसका नाम पड़ा। तो ध्यान रखना दोस्तों, सबसे पहले इसमें 4 देश शामिल हुए, फिर म्यांमार शामिल हुआ और 2004 में नेपाल और भूटान शामिल हो गए और इसका नाम पड़ा बिम्सटेक। नेक्स्ट, बिम्सटेक का मुख्यालय कहाँ है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। ऑप्शन सी ढाका में। देखिए बिम्सटेक का मुख्यालय है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। नेक्स्ट, बिम्सटेक में कुल कितने सदस्य देश हैं, बिल्कुल इजी। ऑप्शन डी 7। देखिए बिम्सटेक में कुल सदस्य देशों की संख्या है 7, बांग्लादेश इंडिया म्यांमार श्रीलंका थाईलैंड नेपाल और भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिम्सटेक का पहला शिखर सम्मेलन जुलाई 2004 में कहां आयोजित किया गया। ऑप्शन सी थाईलैंड में। देखिए बिम्सटेक का पहला शिखर सम्मेलन जुलाई 2004 में थाईलैंड में आयोजित किया गया। नेक्स्ट, बिम्सटेक का चौथा शिखर सम्मेलन 2018 में कहां आयोजित किया गया। ऑप्शन ए नेपाल में, नेपाल की राजधानी काठमांडू में चौथे शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। और पांचवें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा श्रीलंका में। अब बात करते हैं बिम्सटेक सदस्य देशों के मुखिया, राजधानी और करेंसी की। आप सभी को पता होगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह में बिम्सटेक के मुखिया देशों को आमंत्रित किया गया है, न्योता दिया गया है। तो एग्जाम के लिहाज से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से शायद एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए, तो देख लेते हैं फटाफट। मित्रों भाइयों बहनों, ये शपथ ग्रहण समारोह मेरा अकेले का नहीं है, 125 करोड़ देशवासियों का है भाइयों बहनों, 125 करोड़ देशवासियों का है। पहला क्वेश्चन, नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है। ऑप्शन डी खड़ग प्रसाद शर्मा ओली, ये नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। और अगर बात की जाए कि भाई नेपाल की करेंसी क्या है तो वो है नेपाली रुपया और राजधानी आपको पता ही है काठमांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है। ऑप्शन ए रानिल विक्रमासिंघे और मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। दोस्तों ये बिम्सटेक के सदस्य देशों के मुखिया आप रट लेना, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। नेक्स्ट, भूटान के प्रधानमंत्री कौन है। ऑप्शन सी लोते तशेरिंग और भूटान की मुद्रा है भूटानी नगुलटस और राजधानी की बात करें तो वो है थिम्पू। नेक्स्ट, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है। ऑप्शन ए शेख हसीना, ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और मुद्रा है टका। नेक्स्ट, म्यांमार के प्रधानमंत्री कौन है। ऑप्शन सी विन मिंत, ये म्यांमार के प्रधानमंत्री हैं और मुद्रा है म्यांमार क्यात और राजधानी की बात करें तो म्यांमार की नई राजधानी है नेपिडा और पुरानी है रंगून। और भाई नेक्स्ट क्वेश्चन होगा तारे लिए चैलेंज, बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा, इसका जवाब तो भाई थमने देना पड़ेगा। थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन है। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक और थाईलैंड की मुद्रा है थाई बात और भाई थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन है वो आप कमेंट्स बॉक्स में बता देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। ये तो हो गए बिम्सटेक सदस्य देश। मोदी जी ने एक और देश के मुखिया को आमंत्रित किया है, किर्गिस्तान। तो किर्गिस्तान के राष्ट्रपति कौन है। ऑप्शन बी जैन बकोव और अगर कोई पूछ ले के भाई किर्गिस्तान की राजधानी क्या है, बिश्केक। क्या है, बिश्केक और मुद्रा
किर्गिस्तानी सोम। नेक्स्ट, मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है? इन्हें भी मोदी जी ने शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया है। ऑप्शन ए प्रविंद जगन्नाथ, यह मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। और अगर बात की जाए मॉरिशस की राजधानी तो वह है पोर्ट लुइस और मुद्रा मॉरिशियन रुपया। तो दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे वो सभी हमने कवर कर लिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।